खबर सुमेरपुर से है, जहां तकतगढ़ नोवी सांडेर राव समेत ग्रामीण इलाकों में महाशिवरात्रि का पर्व मनाने के लिए मंदिर कमेटियों द्वारा संपूर्ण तैयारियां की गई हैं। एक ओर जहां मंदिरों का रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है, तो वहीं शिवालयों में रात्रि में विशाल भजन संध्या आयोजित करने के लिए विशाल पंडाल भी सजाए गए हैं। वहीं महाशिवरात्रि पर्व को लेकर भक्तों में अलग सुबह से काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि श्री मल्लेश्वर महादेव नौवी की शिवलिंग दो भागों में विराजमान है, जिसमें पाली जालौर सिरोही के भक्तगण ज्यादातर मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। सुमेरपुर से अरविंद कुमार जोशी की रिपोर्ट। मंदिर में वही जीर्णोद्वार का कार्यक्रम चल रहा है, तो भी महादेव की शिवरात्रि के लिए जो व्यवस्था करनी थी वो व्यवस्था व्यवस्थित कर दी गई है। मंडप तैयार हो गया है, सुबह आरती होगी, उसके बाद में 11 बजे अभिषेक होगा, उसके बाद में 4 बजे हवन होगा और फिर रात्रि में 4 पहर की 4 आरती होगी, 10, 12, 2 और 4। महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों पर चलने लगी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुमेरपुर हो या तगड़गढ़ हो या ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों पर तैयारियां करने लगे हैं, जिसमें सुमेरपुर के नीलकंठ महादेव मंदिर को भी सजाया जा रहा है और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंदिर का जीर्णोद्धार होने के कारण मंदिर की तोड़ दिया है, उसको लेकर अब मंदिर में शिवलिंग के ऊपर टैंड व्यवस्था से की जा रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, सुमेरपुर हो या तगड़गढ़ हो, कुंडेश्वर महादेव तगड़गढ़ में भी तैयारियाँ जोरों पर चल रही है। वहाँ भी रात्रि में भजन संध्या होंगे और नौवीं गांव में भी भजन संध्या का आयोजन रखा गया है, जिसमें कलाकार मनीष प्रियर एंड पार्टी द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी और उपखंड के बिछूड़ा पिरान में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत समेत राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ भी भाग लेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाशिवरात्रि का पर्व को लेकर संपूर्ण तैयारियां मंदिरों कमेटी द्वारा की जा रही है। अरविंद कुमार जोशी के साथ कैमरामैन मासूम जोशी, सुमेर।